सुनो सुनो दुनिया के लोगों, क्रिकेट का बल्ला बॉलीवुड में चल्ला, एक छोड़कर एक क्रिकेटर पहुंच गए बनने एक्टर। सबसे पहले नाम आता है अजय जडेजा का। बहुत सारे पंगों में फंसे, कंट्रोवर्सी में अटके, मैच फिक्सिंग का मामला जरा इन पे चला और अजय जडेजा ने क्रिकेट छोड़ बॉलीवुड की तरफ रुख करा। पिक्चर नाम खेल, साथ में थे पापा सनी देओल और हीरोइन थी सेलिना जेटली। चोरी चोरी मेरे दिल को चुराया तूने। मालूम पड़ गया था अजय जडेजा को एक्टिंग देख के, बेबी ये क्रिकेट का खेल नहीं है, ये बॉलीवुड का खेल है। क्यों, अपनी एक्टिंग द्वारा तुमने सेलिना जेटली के करियर पर भी सवालिया निशान लगा दिए और सनी देओल के सीन भी बिगाड़ दिए। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, भगवान तुम्हारा भी बुरा नहीं करेगा। उसके बाद बात आती है खब्बू की। बोले तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन विनोद कांबली, याद है वो सेमीफाइनल मैच जिसमें ये रोते रोते ईडन गार्डन से बाहर आए थे। तभी मालूम पड़ गया था कि भाई के अंदर इमोशंस हैं और ये वाकई कुछ करके दिखाएगा। क्रिकेट में इसने बल्ला चलाया और उसके बाद एक्टिंग में कूदा। लोगों ने बोला विनोद मत कर बेटा मत कर, पर कांबली किसी की बात मान जाए ऐसा हो नहीं सकता। और फिर वो अनर्थ हो ही गया जिसका सबको डर था। अरे सुनील शेट्टी के साथ फिल्म अनंत में काम किया विनोद कांबली ने। अरे जी हाँ, विनोद कांबली पहुंच गए सुनील शेट्टी के साथ काम करने फिल्म अनर्थ में, और देखिए क्या अनर्थ किया। अबे जा जा, बंडिया के हाथ में बैठ आया ना तो बंडिया आगे पीछे नहीं देखता है। वाह क्या एक्टिंग करी है कांबली भाई, मजा आ गया। आई रियली वंडर सचिन तेंदुलकर ने कैसे रिएक्ट किया होगा। कामली तू एक्टिंग कर रहा है क्या। और भी ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बल्ला चलाया और बॉलीवुड के अंदर अपना सिक्का जमाने की कोशिश की, उनके बारे में आने वाले एपिसोड में मालूम पड़ जाएगा। बॉलीवुड की और भी एंटरटेनिंग कहानियां सिर्फ पेज 3 रिपोर्टर पर।